को नमस्कार। आप लोग इतना विलंब होने के बाद भी आप लोग डेरा जमा के रखा है कि ये पता करने के लिए यहाँ का लोकल इलेक्टेड बॉडी कहाँ क्या करने गया, क्या करके आया। तो ये ईटानगर के लिए बहुत बड़ी बात है। खास करके आप मीडिया बंधु को सबसे पहले नमस्कार करता है और सारा ईटानगर वासियों को जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आते हैं। देखिए, यह हमारा 9 दिन का दौरा रहा। ये 9 दिन का हेक्टिक दौरा रहा, दिन रात का। उसमें सारा हमारा ULB अरुणाचल प्रदेश इलेक्टेड बॉडीज, ईटानगर ही नहीं था, पासीघाट वाला भी था। हम लोगों ने 2 प्रोग्राम किया। एक ऑफिशियल प्रोग्राम था कि चुनाव जीतने के बाद एक कैपेसिटी बिल्डिंग का ट्रेनिंग होता है, दूसरा एक एक्सपोजर टूर। खास करके एक्सपोजर टूर का बारे में आप लोगों को मैं पब्लिक में बता दूंगा आपका माध्यम से। एक्सपोजर टूर हम लोगों ने एक तो इंदौर शहर देखा, जो इंडिया में कंटिन्यूसली 5 बार जीता सफाई के बारे में। उसका सिंपल मंत्र है, 5 बार कैसे जीता इंडिया में इंदौर स्थित। सबसे पहला भागीदारी जन आंदोलन। इंदौर का पब्लिक रिक्शा वाला से लेके गवर्नर तक कोई भी कागज़ गिरता है तो अपना पॉकेट में डाल के, अपना बैग में डाल के जाता है, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो। एक जन आंदोलन किया, एक अपना सोच को बड़ा कर दिया। ऐसा कुछ जादू नहीं है, हम लोग जैसा ही आदमी है इंदौर में भी। उन्होंने 5 बार इसलिए जीता कि हमको वार्ड मेंबर होता है, हमारा कॉरपोरेटर होता है, हमारा कमिश्नर्स होता है, वही लोग पूरा जादू करता है, ऐसा नहीं है। सरकार का भी भागीदारी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पब्लिक का है। तो एकदम सिंपल वे में आप लोगों को बता दे रहा है, 5 बार वो लोग इसलिए जीता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा भागीदारी पब्लिक का है। दूसरा बात, हम लोग जयपुर शहर देखा, 300-400 साल पुराना, आप देखिए राजा महाराजा का समय से कैसे वो लोग नदी नाला को संभाला है, कैसे करके वो अभी NGT जो हमारा 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज कर रहा है, उसको NGT का जो नियम को कैसे लागू कर रहा है, दूषित पानी को सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान में। आप लोग बीच में सोशल मीडिया में देखा भी होगा, हम वहाँ से बहुत फ्लैश आउट किया है। हम ईटानगर और नाहरलगन और बंदरदुआ वासी को हम ये बताना चाह रहा है हम लोगों को समय में कि यहाँ के होटल से जो पानी आ रहा है, जो हॉस्पिटल से पानी आ रहा है, घर से पानी आ रहा है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेगा, और वो धनराशि कहाँ से आता है, सेंटर से कहाँ से आ रहा है, स्टेट से कैसे मैनेज करता है। तो जिस शहर में आदमी का टाउन साफ हो, टाउन साफ होने का सबसे बड़ा मीनिंग होता है कि आपका बीमार कम पड़ेगा। आप बीमार माने सारा ईटानगर सिटी। हमारा यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अपना घर साफ करेगा, आप कागज़ को दूसरा का घर में फेंकेगा, वहाँ ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम आप लोगों को ये आपका माध्यम से ये संदेशा देना चाहता है कि हम लोगों को लिटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, अपना साफ सुथर तो रहना है और औरों को भी गंदगी नहीं करना है। दूसरा, जहाँ तक हमारा सेवरेज ट्रीटमेंट का प्लान का सवाल है, सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान का सवाल है, हम लोगों को सरकार, हमने कल हमारा चीफ मिनिस्टर के साथ कल हम लोग बैठक किया, किरण रिजिजू जी का साथ हम लोग तीनों ने बैठक किया कल, वो दोनों तैयार है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ आज उसका मीटिंग है वाराणसी में, आज उसका दौरा में गया, मुझे भी बुलाया था, मैं इसलिए नहीं जा पाया कि हम लोग लिटरली दिन रात नहीं सोया। रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक बैठता, सुबह 2 बजे जाना पड़ता। और आपको एक बात बता दूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो सरकारी ढांचा है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ में 2 आवर्स, आप सोचिए, कॉलेज में हम लोग 35 मिनट किया था, फिर यूनिवर्सिटी में 45 मिनट का क्लास था। इत्तेफाक से अभी इतना उम्र में 2 आवर्स का क्लास रहा, इतना नींद भी आ जाता है, आधा मुरा होता है, लेकिन वो सीखना पड़ेगा। वो क्लास को नहीं सीखने से हम यहाँ पब्लिक को सिखाना नहीं सकेगा। इसलिए हम लोग मेहनत करके
इतना तकलीफ करके कॉरपोरेटर अपना छोटा छोटा बच्चा 6-6 महीना का बच्चा को ले गया वार्ड नंबर 9 का कॉरपोरेटर। आपको मालूम है इंडियन आइडल में अभी कोई छोटा बच्चा लेके ओ ये प्रोग्राम कर रहा है, वो एक शिक्षा दे रहा है, एक सीख दे रहा है कि वो लोग क्या कर सकता है बोल के। इसलिए हमारा कॉरपोरेटर ने नन्ना मुन्ना बच्चा 6 महीना का बच्चा को लेके गया। तो कुल मिला के मेरा आप लोगों को संदेश ये है, अभी इन डिटेल हम लोगों का एक्शन होगा, ये एक्सपोजर टूर में कैसे सिटी को साफ करता है आप लोगों को हम दिल से बताता है, हम नमस्कार करके बताता है कि अपना सिटी को इंदौर सिटी को कोई भी साफ नहीं करता है, वहाँ का सिटी का आदमी साफ करता है। रिक्शा तेला वाला से लेके गवर्नर तक हम दोबारा से बोल रहे हैं, सबसे बड़ा भागीदारी जन आंदोलन और वो लोग का सोच साफ है। हम लोगों को भी करना क्या है, सरकार का भाग सरकार करेंगे, म्यूनिसिपल का भाग म्यूनिसिपल पूरा करेंगे, गाड़ी बैठाना, कचरा उठाना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तैयारी करना अभी IMC करेंगे। लेकिन जन आंदोलन जन भागीदारी जन का जो जन आंदोलन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको पब्लिक ही करना, जनता ही करना पड़ेगा। इसलिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोग काइंडली जनता लोग को हमारा मैसेज है, ईटानगर से लेके चिंपू से लेके आपको बंदरदेवा तक कोई भी इशू होगा, अभी हम लोगों का एक तो वहाँ में देख के आया 3-1-1 करके एक एप्स बनाया, अभी IMC से भी एक एप्स जारी होगा, उस एप्स में आप कहाँ में कचरा एक पीस गिरा है, किस में गाड़ी खराब हो गया, कहाँ में क्या चाहिए, वो एप्स का जरिए से चलेगा। कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये एक्सपोजर टूर जो है बहुत बड़ा सफलतापूर्वक रहा, बहुत बड़ा लाभदायक रहा और आगे हम लोग ज़्यादा भाषण नहीं करके इन एक्शन हम लोग कल से ही शुरू करेंगे नेक्स्ट डे से।